हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मम्मी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसन मावा बर्फी बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, ये मैंने बेसन लिया है, ये करीब डेढ़ बॉल के करीब है। इस बॉल के मेजरमेंट से लिया है, मैंने आधा बॉल डाल दिया और ये एक बॉल और डाल रही हूँ। तो डेढ़ बॉल मैंने बेसन लिया है, इसको मैं मावे के साथ मिक्स करके बेसन मावा बर्फी बनाएंगे। तो ये मावा लिया है पौन बॉल के करीब, और ये शक्कर लिए है मैंने एक बॉल के करीब, और ये एक बॉल के करीब देसी घी है। ये देसी घी है फ्रेंड्स, और ये इसी बॉल के मेजरमेंट से सब का मेजरमेंट किया है मैंने। और इसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें मैंने काजू की कटिंग ली है, और ये पिस्ता है, पिस्ते की कटिंग है, और ये इलायची है, इलायची की भी थोड़े दाने मैंने निकाल दिए है। अभी और क्रश कर दूँगी तो हम बेसन मावा बर्फी अभी कढ़ाई में बनाएंगे। पहले हम गैस जला लेंगे और इसके ऊपर ये फ्राई पैन रखेंगे, और फ्राई पैन में पहले मैं ये मावा डालूंगी फ्रेंड्स। ये मावा इस तरह से डाल देंगे, बहुत टाइट हो रहा है, थोड़ा सा सर्दी का टाइम है, टाइट हो रहा है। इस तरह से डालेंगे, गैस धीरे रखेंगे और इसे इस तरह से क्रम्बल्ड करेंगे, इस तरह से क्रम्बल्ड कर देंगे, थोड़ा हाथ से मैश कर देंगे। आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। अभी धीरे धीरे दो मिनट में मेल्ट होगा, इसलिए हम तब तक इस तरह से हिलाते रहेंगे। धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, तो ये मावा हमने इस तरह से घूम लिया है। अब इस पॉट को हम अलग रख देते हैं, और ये दूसरा कढ़ाई पैन, दूसरी कढ़ाई चला देते हैं, और गैस थोड़ा सा तेज कर देंगे। और इसके अंदर ये मैं घी डालूंगी, घी इसमें थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है ताकि बेसन चिपके ना, नहीं तो बेसन चिपक जाएगा। ये घी मेल्ट होने लगा है, गैस थोड़ी सी तेज कर दी है मैंने, और इसके अंदर ये मैं बेसन डाल रही हूँ। इसे हम कंटिन्यू इस तरह से हिलाएंगे, नहीं तो बेसन हमारा जल जाएगा। गैस अब थोड़ी धीरे कर देंगे, इस तरह से हमें कंटिन्यू हिलाना है जब तक बेसन भुन ना जाए। तो अभी एक मिनट और भुनेगा। देखिए फ्रेंड्स, बेसन भुन गया है हमारा, अच्छे से खुशबू आने लगी है, इससे पता चल जाता है कि हमारा बेसन भुन गया है। अब इसमें हम ये मावा डालेंगे, और इसी में हम ये थोड़ा सा पानी के छींटे डालेंगे इस तरह से, ताकि ये बेसन दानेदार हो जाएगा। गैस धीरे कर दिए मैंने, और अब ये भुन गया है,
इसे अच्छी तरह जल्दी जल्दी हिलाएंगे, थोड़ा बिल्कुल गैस धीरे कर देंगे, और अगर लगे तेज तेज गैस है थोड़ी सी तो हम इसे उतार देंगे एक मिनट के लिए, और फिर वापस ऊपर रख के और गैस बंद कर देंगे, और इसे हम अब ठंडा करेंगे। ये ठंडा होगा तभी हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मिश्रण ठंडा हो गया है थोड़ा, लेकिन हल्का हल्का गर्म है, आप इसे छू सकते हैं, हल्का गर्म है। और इसमें अब मैं ये शक्कर डालूंगी, ये शक्कर डाल दूंगी। गरम में शक्कर नहीं डालते हैं, नहीं तो वो चाशनी बन जाती है और बर्फ़ी जम नहीं पाएगी, और थोड़ा हल्का हल्की गरम होगी, हल्का गरम मिक्सचर होने से ये मेल्ट नहीं होगी, शक्कर डिजॉल्व नहीं होगी और बर्फ़ी अच्छी सी बन जाएगी, अच्छी जमेगी। एकदम ठंडा भी नहीं करना है और एकदम गर्म भी नहीं करना है। इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और अभी मैं मिक्स करके बताती हूँ फ्रेंड्स। ये सारी शक्कर इसमें मिक्स कर दी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके अंदर अब मैं ये ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, तो ये काजू डाल रही हूँ, काजू की छोटी छोटी कटिंग कर ली है, और पिस्ते और इलायची भी डाल रही हूँ, और इसको अभी मैं मिक्स कर लूँगी। और ये गार्निशिंग के लिए अलग से रख देती हूँ, और इसे इस तरह से मिक्स करके अभी, और हम एक ग्रीस करी हुई घी से ग्रीस करेंगे इस थाली को, और इसमें इस तरह से जमा देंगे, करीब एक घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये जम जाएगी अच्छी तरह से। अभी मैं आपको इसमें जमा के बताती हूँ। हल्की गर्म होता है ये मिक्सर, हल्का गर्म होता है तभी इसको हम जमाएंगे, तभी ये बर्फ़ी सेट होगी। तो ये सारा मिक्सचर हमने खाली कर लिया, इस थाली में जमा लिया इस तरह से, और इसको ऐसे प्रेस करके इसको सेट कर दिया है। अब इसको फ्रिज में रखेंगे एक घंटे के लिए, लेकिन इसके पहले मैं थोड़े से इसके ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स लगाऊंगी। ड्राई फ्रूट्स हम और ऊपर से लगाएंगे फ्रेंड्स, और इसको इस तरह से दबा प्रेस कर देंगे। इस तरह से प्रेस कर देंगे, और मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ एक घंटे के लिए, और उसके बाद हम बर्फ़ी की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स कितनी अच्छी मावा की बर्फ़ी बनी है, मावा बेसन की बर्फ़ी, और मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। तो आप मर्जिया जिस शेप में कटिंग कर सकते हैं, और मैं आपको इस तरह से एक बर्फ़ी का पीस कट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। और इसे मैंने गार्निश कर लिया है चांदी का वर्क से, तो बहुत सुंदर लग रही है। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए कि कितनी अच्छी बेसन मावा की बर्फी बनके तैयार है, तो आप भी इसी तरह से बनाइए। तो फ्रेंड देखिए ये बेसन मावा की बर्फी कितनी मस्त बनी है, आप भी इसी तरह से बनाएंगी। इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान ये रखना है कि बेसन हल्का सा गर्म होना चाहिए, तभी आप उसमें शक्कर डालेंगे। हल्का गर्म होगा तभी शक्कर डालेंगे तो अच्छा जमेगी, बर्फ़ी अच्छी जमेगी, नहीं तो अच्छी तरह से जमेगी नहीं। और इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं 7-8 दिन के लिए, तो कभी भी आप इसे खा सकते हैं, और गेस्ट आए तो कभी भी आप इसे दे सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय फ्रेंड्स, बाय।